तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं? दोस्तों, चक्रवर्ती सम्राट उस सम्राट को कहते हैं जो सम्राटों का भी सम्राट हो, जिसके अंतर्गत या उसके नीचे अनेकों सम्राट हो, यानी कि जो राजाओं का भी राजा हो उसे चक्रवर्ती कहते हैं। और ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट थे महान सम्राट अशोक। तो दोस्तों, चलिए आज जानते हैं कि कहां तक फैला था सम्राट अशोक का साम्राज्य। मौर्य वंश के एक कुशल सम्राट रहे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का साम्राज्य बहुत बड़े भूभाग में फैला था। दोस्तों, सम्राट अशोक के बारे में कहते हैं कि सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया था। पहले के भारत में बहुत से ऐसे राज्य आते थे जो आज भारत से जुदा हो गए हैं, अलग हो गए हैं। दोस्तों, सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज तो किया ही किया, यहाँ तक कि उत्तर की हिंदू कुश की सारी श्रेणी में सम्राट अशोक का साम्राज्य था, और इधर दक्षिण में गोदावरी नदी तक अशोक का ही साम्राज्य था, जो कि मैसूर तक फैला हुआ था। इसी के साथ पूर्व में बांग्लादेश तथा पश्चिम में अफगानिस्तान तक सम्राट अशोक का शासन रहा है। दोस्तों, सम्राट अशोक का शासन ईरान तक भी फैला हुआ था। दोस्तों, सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के बाद युद्ध से सदा के लिए संन्यास ले लिया था, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का पालन किया था। इसी के कारणवश हो सकता है कि अशोक का साम्राज्य और विस्तृत न हुआ हो। यदि अशोक सम्राट युद्ध से संन्यास न लेते तो हो सकता है कि उनका साम्राज्य आज अखंड विश्व में फैल जाता। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोग अशोक की वीरता को भली भांति जानते हैं कि वे बहुत बड़े वीर अथवा पराक्रमी राजा थे। उनको चक्रवर्ती सम्राट इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वह सम्राटों के सम्राट थे। अशोक सम्राट ने कलिंग के बाद युद्ध को सदा के लिए त्याग दिया था और 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु एक दयालु, न्यायप्रिय और एक शांतिपूर्ण राजा के रूप में हुई थी। तो दोस्तों, ये थे अशोक के साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारियां।